दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमाशंकर और आप देख रहे हैं मौर्य किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में ये यूनाइटेड कुकर जो आप देख रहे हैं, इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड कुकर में दो मेन फॉल्ट आता है। उस दो मेन फॉल्ट को हम इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं वो कॉमनली दो मेन फॉल्ट कौन कौन से आते हैं। वो कुछ कुकर पुराना हो जाता है दोस्तों, चाहे यूनाइटेड हो, चाहे हॉकिंस हो, चाहे कोई भी हो, तो उनमें ये फॉल्ट आ ही जाता है। तो आपके भी कुकर में इस तरह का फॉल्ट आया होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को आप देखकर आसानी से अपने कुकर को रिपेयर कर पाएंगे। और जो इस लाइन में मिस्त्री का काम करना चाहते हैं वो भाई भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और काम को सीखें और खुद का रोज़गार करें। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि यूनाइटेड कुकर में वो कौन से दो फॉल्ट आते हैं जो सभी कुकरों में आते हैं। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड का कुकर ये देख रहे हैं, इसका ये पैदा आप देख रहे हैं, तली बॉटम ये कुछ बाहर की तरफ भाग गया है। कम ही भागा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं भागा। ये रिपेयर करने के लायक है। ये जो बाहर भाग गया है, इसको हम रिपेयर करके देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और दूसरा फॉल्ट क्या है, जो मेन फॉल्ट हर कुकर में आ जाता है, यूनाइटेड हो कोई भी हो, ये जो आप देख रहे हैं बॉडी और ढक्कन के बीच ये जो गैप देख रहे हैं आप, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से गैप यहाँ तक ज़्यादा हो गया, यहाँ रबड़ आपका दिख रहा है काफ़ी, ठीक है दोस्तों। इधर गैप ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ भी ठीक है, यहाँ बिल्कुल इस तरह से सटा हुआ है, तो गैप यहाँ ज़्यादा हो गया है। ये दूसरा फॉल्ट है इसमें। तो दोस्तों, ये फॉल्ट क्यों आता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ढक्कन को अलग कर दिया है, तो ये जो आप देख रहे हैं, इसकी तली देखिए नीचे की तरफ भाग गई है, बाहर की तरफ निकल गया है। तो जो यहाँ ये गैप आ जाता है दोस्तों, ढक्कन और इस बॉडी के बीच, तो ये आप देख रहे हैं ये उठ चुका है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, तो कुछ कमज़ोर होता है ये दीवार, ये चारों तरफ जो ये किनारा है इसका कुकर के बॉडी का, तो ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे भाग जाता है। तो 1-2 mm दोस्तों ये ऊपर की तरफ उठ गया है, स्पष्ट दिख रहा है, चारों तरफ ये उठ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको पूर्व अवस्था में जैसे ये पहले था, 1-2 mm यहाँ नीचे जैसे उड़ गया है, यहाँ होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों, 1-2 mm नीचे रहेगा ये। तो चारों तरफ इस तरह से इसको नीचे ही हमको करना है, इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी कमी की वजह से ऊपर उड़ जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ गैप आ जाता है और यहाँ से जो है गैस लीक कर जाती है दोस्तों, और हमारा सीटी नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले कमी को दूर करते हैं। जो ये इसका पैदा तली निकल आया बाहर, इसको ठीक करके देखेंगे, उसके बाद इस कमी को हम डाई के माध्यम से ठीक करेंगे दोस्तों। डाई लगाना पड़ेगा इस यूनाइटेड कुकर में, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कमी को दूर करने के लिए, इसको प्लेन करने के लिए, इसको समतल करने के लिए इस तरह के लोहे के शीट की ज़रूरत पड़ेगी, या आप नीचे फर्श पर, ज़मीन पर भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसी पे करके आपको दिखाता हूँ, नहीं तो उसको समतल करने के लिए इस तरह से दोस्तों आप कुकर को पकड़ लेंगे और ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आप घुमाते रहेंगे, इस तरह से आपको चोट मारते रहना इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से घुमा के। तो 5-8-10 मिनट में ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना है, ये आसानी से हो जाएगा। इसकी वीडियो मैंने डाल भी रखी है दोस्तों, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्लेन करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस यही प्रक्रिया इसे तब तक करना है दोस्तों जब तक ये आपका समतल ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ, तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से मैं इसको हिट कर रहा हूँ,
ये लगभग बराबर हो चुका है दोस्तों। तो और जो जनरल कुकर होते हैं दोस्तों, उनमें आसानी से कम चोट मारने पर ही समतल हो जाता है। इसका एल्युमिनियम राट एल्युमिनियम होता है दोस्तों, ये जल्दी घिसता नहीं, बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसको तेज़ी से चोट मारना पड़ेगा। जो ब्रांडेड कुकर को आप इस तरह से रिपेयर करेंगे तो तेज़ी से चोट मारेंगे तो तब जाके प्लेन होगा। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है दोस्तों, ठीक है, आ गया, बिल्कुल प्लेन हो गया। अब ये आसानी से आपके चूल्हे पे पैन सपोर्ट पे आसानी से बैठेगा और बर्नर की लो भी नहीं बुझाएगा। तो एक कमी, ये फॉल्ट जो है, कितनी आसानी से आप अपने कुकर में दूर कर पाएंगे। तो दूसरा जो फॉल्ट है दोस्तों, चलिए उसको ठीक करके देखा जाए। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें डाई को लगाएंगे फटाफट और आपको इसको पूरा अवस्था में ला के एक दो या मैम नीचे करके देखते हैं, आसानी से गैप ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और देखिए, मैंने इस डाई के एक पार्ट को, ऐसा पार्ट होता नीचे वाला, ठीक है दोस्तों, इसमें बीचों बीच रख दिया है, बिल्कुल बीचों बीच लगभग, वहाँ नीचे एक दफ्ती का टुकड़ा लगा दिया जिससे वहाँ निशान ना पड़े। और ये आप डाई देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह का होता है, इसको हम थोड़ा पहले ढीला कर लेंगे, ये चूड़ी कम कर लेंगे दोस्तों, ये इधर बाहर निकल गया, ठीक है, इतना बाहर निकाल लेंगे, इतना ही रहेगा जिससे आसानी से हम इस पर इस पॉइंट पे रख सकें, इसलिए इस तरह से इसको छोटा करेंगे, इससे आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप इसको जैसे ढक्कन लगाते हैं बस वैसे ही रखना है, वैसे ही करना है, अंडाकार होता है, तो इस तरह से देखिए उसी पे जाके बैठ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसको हम टाइट करेंगे, टाइट कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरा यहाँ तक चिपक गया, ऊपर तक सड़ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, पेचकस की मदद से इसको टाइट कर लेंगे, यहाँ पे सुराख दिया रहता है, थोड़ा फुल्ली टाइट कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्टल रिंच भी लगा कर टाइट कर सकते हैं, ये टाइट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एमएम दो एमएम का गैप दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ भी दिख रहा है, सामने भी दिख रहा है, यहाँ भी कुछ हल्का है, यहाँ कम है। तो क्या करना है, ये जो उठा हुआ है जो यहाँ भी नीचे गैप है, जब इस पर हम चोट मारेंगे वुडन के हथौड़े से, लकड़ी का हथौड़े से, या रेडीमेड हथौड़ा आता है दोस्तों फाइबर का, उससे किनारों पे चोट मारेंगे तो ये नीचे की तरफ एक दो एमएम चला जाएगा ये किनारा, और इसी की सतह के एकदम बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरह वुडन का लकड़ी का हम ये हथौड़ा लेंगे दोस्तों, इस तरह से आप इसको होममेड बनवा सकते हैं। करना क्या, इस तरह से हमको पकड़ना है, इस तरह से बराबर चोट मारना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं मारना, उतना ही मारना जिससे ऊपर उठा हुआ भाग नीचे सड़ जाए आराम से, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से बराबर चोट मारना है, बराबर बल लगाना है, मतलब एक साइज का चोट मारना है हमको बराबर, इस तरह से घुमाते जाना है कुकर को, घुमाते जाएंगे इस तरह से चोट मारते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जो ब्रांडेड होता है उस पर तेज चोट मारना पड़ता है, और जो अनब्रांडेड होते हैं उनका एल्युमिनियम मुलायम होता है और आसानी से भाग जाते हैं चोट मारने पे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बस यही क्रिया करनी है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप कुकर रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं दोस्तों, डाई वगैरह मंगा लीजिए और ये सब उपकरण बनवा लीजिए, थोड़ी वगैरह, और आप आसानी से कुकर को रिपेयर कर पाएंगे और अच्छे से अपना दुकान चला पाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सड़ गया, ठीक है दोस्तों, ज़रा सा भी गैप नहीं है, चारों तरफ देख लीजिए, देख रहे हैं।